Hello students, welcome back to your online video classes. Hopefully all of you are doing good and taking care of yourself. तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन एंड हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रोजेक्टाइल के बारे में. प्रोजेक्टाइल दो तरह के, दैट इज प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट सम एंगल विद द हॉराइजेंटल एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉराइजेंटली, है ना. वी हैव ऑल्सो सीन सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दोज टॉपिक्स. Okay, and today we will discuss about a new topic from the same chapter, that is rain and man problems. Okay, rain and man problems. इससे बस numericals ही आते हैं बच्चों, इस topic से rain and man problems. Women भी बोल सकते हो, हमें कोई problem नहीं है. Okay. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग कंसेप्ट किसका यूज करेंगे बच्चों, द होल न्यूमेरिकल विल बी सॉल्वड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. ओके, द होल न्यूमेरिकल्स विल बी सॉल्वड यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, है ना. अच्छा, एंड वी विल एक्सप्रेस द वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म. ओके, कार्टेशियन फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे बच्चों, आई कैप, जे कैप, के कैप, इन सब का यूज करके हम लोग वेक्टर्स को एक्सप्रेस करेंगे. बड़ा आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. जैसे बच्चों सपोज कर लो एक बॉडी है, हम लोग वन डायमेंशन मोशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में. सपोज एक बॉडी है, वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी, सपोज बॉडी ए मूविंग विद अ वेलोसिटी वी ए एंड बॉडी वी मूविंग विद अ वेलोसिटी वी बी, ठीक है, बॉडी बी मूविंग विद अ वेलोसिटी वी बी. तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते थे ना, सपोज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये होता था वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है. वेक्टर के फॉर्म में हम लोग उसे सॉल्व करते थे, ठीक है. तो द रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर ए माइनस वेलोसिटी वेक्टर बी. ओके, वेक्टरिकली सॉल्व करना है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे, है ना. अगर वन डायमेंशन मोशन है तो बड़े आसान से सॉल्व हो जाता था, डायरेक्शन सेम रहता था या ऑपोजिट रहता था, इन दोनों में से ही एक रहता था. लेकिन रेन एंड मैन वाले प्रॉब्लम में बच्चों डायरेक्शन तो मतलब सेम या ऑपोजिट नहीं होता, हमेशा तो नहीं होगा एटलीस्ट. ओके, तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर्स के फॉर्म में ही पूरा एक्सप्रेशन देखेंगे और उसी तरीके से हम लोग समझेंगे भी न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं. तो केस वाइज डिवाइड कर देते हैं. पहला केस बड़ा ही इजी है, ठीक है. एक एग्जांपल लेकर के हम लोग इस पूरे केस को स्टडी करेंगे, ठीक है. जैसे सपोज कर लो बच्चों, सपोज कर लो केस वन, केस वन क्या है, दैट इज मैन जो है वो रेस्ट में है, मैन इज एट रेस्ट. ओके ओके, सो टेक वन, लेट अस टेक वन एग्जांपल. एक्चुअली इसमें पूछता क्या है वो भी जान लो, वेलोसिटी निकालने का भी पूछ सकता है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि अम्ब्रेला हम किस डायरेक्शन में ओपन करेंगे, ठीक है. मेन क्वेश्चन यही आता है, अम्ब्रेला का डायरेक्शन क्या होगा. बिकॉज बच्चों हम लोग ये चीज फील करते हैं कि जब हम लोग बारिश हो रहा होता है और हम लोग एक जगह पर खड़े रहते हैं, है ना, तो हमें बारिश मतलब बारिश का जो गति है, जो स्पीड है, वो हमें कुछ फील होता है. बट अगर तुम मूव करना स्टार्ट कर दो तो तुम्हें ऐसे लगता है कि बारिश जोर जोर से आपको आकर हिट कर रहा है, ठीक है. सो दैट इज द डिफरेंस. फिर आप रुक जाते हो तो फिर आपको स्लो लगता है. Why this thing is happening? Because जब आप रेस्ट में होते हो और बारिश गिर रहा होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ और आता है, लेकिन जब आप खुद मूव करने लगते हो उसी बारिश में तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाता है, है ना. और वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है, है ना, और स्पीड भी इंक्लूडेड है, दोनों चीज चेंज होगा, डायरेक्शन भी और स्पीड भी. मतलब आपको जैसे बारिश आप खड़े हो तो बारिश सपोज आपको लग रहा है कि सीधा सीधा नीचे गिर रहा है, लेकिन जब आप मूव करोगे तो और वो आपको सीधा सीधा नीचे गिरता हुआ नहीं लगेगा, आपको लगेगा वो कुछ एक एंगल में आकर आपको हिट कर रहा है ना. तो रिलेटिव वेलोसिटी के थ्रू ही हम लोग सॉल्व करेंगे. एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लो बच्चों बारिश हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड रेन्स गिर रहे हैं, ठीक है, द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, विद अ स्पीड ऑफ सपोज कर लो, दैट इज हम लोग बोल देंगे रेन का स्पीड कितना है ना,
सपोज 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. और एक इंसान सपोज कर लो यहां पर खड़ा है बच्चों, ठीक है, एक इंसान सपोज यहां पर खड़ा है एंड इट इज द पर्सन इज एट रेस्ट, ओके, दैट मीन्स इसका स्पीड ना इधर है ना इधर है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, कुछ नहीं कर रहा है. वो क्या कर रहा है ना, वो 0 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, मतलब रेस्ट में है, मतलब रेस्ट में. अब यहां देखो, अगर हम बोलेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो ये कितना हो जाएगा, ग्राउंड के हिसाब से देखो, ग्राउंड की तरफ रेन कितने स्पीड में जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर डाउनवर्ड, ठीक है. अच्छा, डाउनवर्ड के लिए बच्चों हम लोग क्या लेते हैं, ठीक है, दैट इज माइनस जे कैप, है ना, यहां पर बना देते हैं. देखो सपोज कर लो ये हमारा एक्स वाई एक्सेस हो गया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए माइनस जे कैप होता है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जे कैप, इधर के लिए आई कैप और इधर के लिए माइनस आई कैप, ठीक है, ये सब आप लोगों को पता होगा. तो हम वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या लिखेंगे, इट इज माइनस 40 जे कैप, ठीक है. यूनिट को अभी छोड़ दो, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज माइनस 40 जे कैप. एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, कितना होगा बच्चों, दैट इज 0, और इसका कुछ भी डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन ना ही मेंशन करो, या फिर आप कुछ भी लिखना चाहो, आर्बिट्री डायरेक्शन तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो ये जो भी आएगा 0 आएगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा, 0, ओके, डायरेक्शन आर्बिट्री कुछ भी दिया जा सकता है, ओके. नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वो कितना हो जाएगा, इट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, सो इट विल बी माइनस 40 जे कैप एंड माइनस 0. सपोज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन लेना है तो हम आई कैप ले लेते हैं, ठीक है, आप जे कैप भी ले सकते हो, के कैप भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बिकॉज मैग्नीट्यूड 0 है, ओके. अच्छा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों, दैट इज माइनस 40 जे कैप. दैट मीन्स velocity of rain with respect to man, यानी कि man को कैसा feel होगा, man को feel होगा कि जो rain है वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नीचे आ रहा है माइनस जे डायरेक्शन में, तो वो क्या करेगा, छाते जो अम्ब्रेला है उसे ऊपर की तरफ खोलेगा, ठीक है, बिकॉज उसे कैसा फील हो रहा है, माइनस जे डायरेक्शन में रेन आ रहा है बच्चों, तो वो प्लस जे डायरेक्शन में क्या करेगा, अम्ब्रेला को ओपन करेगा. तो हमारा आंसर क्या होगा, द पर्सन विल ओपन द अम्ब्रेला इन प्लस जे डायरेक्शन, ओके, प्लस जे कैप, ओके, मेकिंग, अगर हमसे पूछा जाएगा कि वर्टिकल के साथ एंगल कितना होगा, वर्टिकल तो ये हो गया बच्चों, है ना, तो इसी डायरेक्शन में तो वो अम्ब्रेला को ओपन करेगा, तो थीटा इन दिस केस विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, क्योंकि वो छाता सीधा ऊपर की तरफ खोल रहा है, वर्टिकल के साथ वो क्या कोई एंगल बना रहा है, नहीं, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ओके. तो ये हो गया बच्चों मैन एट रेस्ट, है ना, केस वन जहां पर मैन एट रेस्ट था, ठीक है. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा केस जहां पर मैन जो है वो मोशन में आ जाएगा, है ना, देखो किस तरीके से, ये पहले नोट कर लो, ओके, उसके बाद हम लोग दूसरा केस स्टडी करेंगे, दैट इज द मैन विल बी इन मोशन, ओके. ओके, तो केस टू, दैट इज मैन इन मोशन, मैन इन मोशन, ठीक है, बारिश तो मोशन में होगा ही, है ना, नहीं तो गिरेगा कैसे, ओके. तो यहां देखो मैन इन मोशन, जब इंसान खुद मोशन में आ जाएगा तब क्या होगा बच्चों, है ना, तो हम लोग उसी तरीके से केस टू को स्टडी करते हैं. सपोज कर लो, अब हम लोग बोलते हैं कि ऊपर से जो बारिश हो रहा है, ओके, वो हो रहा है विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर नीचे की तरफ, ठीक है, रेन का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है बच्चों, और स्पीड कितना है ना, 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, डाउनवर्ड, ठीक है. और अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज द
वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हम लिखेंगे -40 J कैप, -40 J कैप। जे माइनस क्यों लगा? बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन है, नेगेटिव जे कैप। ओके, और सपोज कर लो यहां पर एक इंसान है, ठीक है, जो अपने साइकिल में या मोटरसाइकिल में, जो भी बोल लो, उसमें वो बैठ करके जा रहा है, ठीक है। ओके, वो अपने मोटरसाइकिल में बैठ करके जा रहा है बच्चों, और इस डायरेक्शन में सपोज वो मूव कर रहा है, और सपोज कर लो उसका स्पीड कितना है बच्चों, ना सपोज कर लो उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो अगर हमसे कोई पूछेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, तो हम लिखेंगे 30 I कैप, 30 I कैप, ठीक है। अब आता है बच्चों वेलोसिटी, हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, मतलब इंसान को रेन का वेलोसिटी कैसा फील होगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम लोग लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बच्चों, दैट इज -40 J कैप, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 30 I कैप, और बीच में माइनस साइन एज पर द फॉर्मूला इज देयर। ओके, फॉर्मूला के हिसाब से -40 J कैप -30 I कैप। अब इसे थोड़ा वेक्टोरिकली हम लोग प्लॉट कर लेते हैं बच्चों। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है बच्चों वो कितना है -40 J कैप, यानी कि जे कैप के डायरेक्शन में -40, ठीक है, नीचे की तरफ 40, एंड -30 I कैप, माइनस मतलब इधर इस डायरेक्शन में 30, ठीक है। अच्छा, अब रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, एक वेलोसिटी इस तरफ है, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगा, ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हो, निकालना सीखे हो रिजल्टेंट वेलोसिटी, आई कैप जे कैप वाला केस है बच्चों, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हो, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मोड अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मतलब रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर, दैट इज 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का रूट ओवर, है ना, वो आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लोगे, हमें यहाँ पर एंगल निकालना है, ठीक है। तो जो भी हो, रिजल्टेंट सपोज कर लो इस डायरेक्शन में आया, मतलब हमें जो अम्ब्रेला है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खोलना पड़ेगा, ठीक है। मैन को कैसा फील हो रहा है, मैन को फील हो रहा है कि रेन इस तरीके से गिर रहा है, ठीक है। सपोज कर लो कि उसे अम्ब्रेला जो ओपन करना पड़ा वो थीटा डिग्री पर, वर्टिकल से थीटा डिग्री इस तरफ बेंड करके खोलना पड़ा, तो ये थीटा और ये थीटा बराबर होगा बच्चों, है ना। क्या हम लोग ये थीटा निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली इस 30 वाले कंपोनेंट को यहाँ पर पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, तो ये 30 हो गया। अब इस ट्रायंगल को देखो तो क्या हम लिख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज 3/4, है ना, टैन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। अब थोड़ा याद करो 3/4 यानी कि 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल थोड़ा याद करो, 3, 4, 5। अच्छा, टैन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, और हाइपोटेनस ऑब्वियसली 5 ही होगा, है ना, और ये थीटा, ये थीटा कितना होता है बच्चों 37 डिग्री, याद आ रहा है ना, ये थीटा कितना होता है 37 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स 3/4, और इसका वैल्यू क्योंकि हमें पता है तो हम लिख देते हैं दैट इज 37 डिग्री, है ना। दैट मीन्स द मैन हैज टू ओपन द अम्ब्रेला मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल, है ना, मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। ओके, तो बड़े अगर सपोज कर लो कोई एक ऐसा नंबर आता है जिसका वैल्यू आपको नहीं पता, तो आप वहीं पर आंसर छोड़ दोगे एंड इट विल बी 100% करेक्ट। ओके, एंड इट विल बी 100% करेक्ट। तो बड़ा सिंपल सा स्टेप है बच्चों, पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा, है ना, चाहे जो भी केसेस आए कंसेप्ट यही लगेगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो रेन यहां पर गिर रहा था 40 किलोमीटर
पर आवर के स्पीड से डाउनवर्ड, तो -40 j कैप लिखें। जो इंसान है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो उसका मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखें 30 i कैप। ओके, आप यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा सकते हो बिकॉज हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। आई कैप जे कैप लग रहा है मतलब डायरेक्शन भी है तो वेक्टर्स हैं। अच्छा, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों से पूछा जाएगा एट व्हाट एंगल शुड द मैन कीप हिज अम्ब्रेला इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। ओके, तो ये थीटा का वैल्यू हम लोगों को निकालना रहता है, ठीक है। तो ये कर लोगे, ये दूसरा टाइप का हो गया। ओके, अब आते हैं बच्चों तीसरे टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, इसे नोट कर लो। ओके, अब आएंगे केस थ्री। ओके, केस थ्री। ओके, केस थ्री में क्या होगा बच्चों, रेन जो है वो थोड़ा वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आकर के इंक्लाइंड होगा, है ना। रेन मेकिंग सम एंगल, मेकिंग सम एंगल विथ हॉराइजेंटल, ओके, द रेन इज मेकिंग सम एंगल विथ द हॉराइजेंटल, ठीक है। ऐसे केस में हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे सपोज कर लो कभी कभी बारिश टेढ़ा भी होता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी कि हमेशा सीधा सीधा ही बारिश गिरे, है ना। तो सपोज कर लो एक जगह पर बारिश हो रहा है बच्चों इस तरीके से, इस तरीके से सपोज कर लो बारिश हो रहा है, ओके, और ये जो रेन है सपोज कर लो ये हॉराइजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है ना, सपोज कर लो 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री का ये एंगल बना रहा है बच्चों विद द हॉराइजेंटल। ओके, अच्छा, और रेन का स्पीड हमें कितना दिया है, स्पीड नॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन के साथ बच्चों, रेन का स्पीड हमें दिया है सपोज कर लो 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, स्पीड ऑफ रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, और हम लोगों को सपोज बोला कि एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है सपोज कर लो वो अपने साइकिल में या मोटरसाइकिल में जो भी आपको पसंद हो उसमें उसे बिठा दो, ठीक है, एक इंसान है वो अपने साइकिल या मोटरसाइकिल में बैठ करके जा रहा है, ओ सॉरी सर से हाथ निकल गया रही, ओके, अच्छा, और इस डायरेक्शन में सपोज कर लो वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर, यानी कि स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा होता है बच्चों रेन का और मैन का वेलोसिटी निकालना विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे आराम से होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना। ये दोनों निकाल लेंगे तो फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकाला जा सकता है माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके वेक्टर्स को, ठीक है। अब यहां देखो, क्योंकि ये रेन जो है वो कुछ एंगल बना रहा है तो इसके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, है ना, रेन जो है वो इस तरीके से गिर रहा है ना, मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉराइजेंटल, और स्पीड कितना है ना 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसका एक हॉराइजेंटल कॉम्पोनेंट होगा और उसका एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट भी होगा, ठीक है, दोनों निकाल लेते हैं हम लोग, हॉराइजेंटल कॉम्पोनेंट कितना होगा और वर्टिकल कॉम्पोनेंट। तो इधर वाला कॉम्पोनेंट क्योंकि थीटा इधर अटैच्ड है तो हम लोग लिखेंगे 50 cos 37 डिग्री, है ना, और इधर वाला जो वर्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड कॉम्पोनेंट है वो हो जाएगा 50 sin 37 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल्स 37 डिग्री हम जानबूझ कर ले रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारा ईजी हो सके, है ना। तो अब देखो 37 डिग्री वाला ट्रायंगल याद करो, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है, दैट इज दिस एंगल इज 37 डिग्री, देन दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, 3 4 5 वाला ट्रायंगल, है ना। अच्छा, तो 50 cos 37, cos क्या होता है बच्चों, दैट इज बेस बाय
हाइपोटेनस है ना, तो इट विल बी इक्वल टू इनटू 4 बाई 5, 5 कैंसिल हुआ 50 से, मतलब 50 कैंसिल हुआ 5 से और हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो हॉराइजेंटल डायरेक्शन में कितना स्पीड वेलोसिटी रहेगा, दैट इज 40 आई कैप लिख सकते हैं, है ना। अच्छा उसी तरीके से देखो 50 साइन 37 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 50 इंटू साइन 37, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट इज 3 बाई 5, तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, जिसे हम लिख सकते हैं सॉरी 30 माइनस 30 जे कैप, ठीक है माइनस 30 जे कैप। अब इसे कंबाइन करके हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना निकल कर आया है, दैट इज 40 आई कैप, इस डायरेक्शन में 40 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज माइनस 30 जे कैप, माइनस 30 जे कैप, ठीक है। तो समझ में आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और अब बारी है किसका, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके तो ये तो सीधा सीधा इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव आई कैप, तो इसे हम लिख देते हैं दैट इज 40 आई कैप, है ना 40 आई कैप। ओके अब हम लोगों को निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो इट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके तो ये कितना आएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, दैट इज 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 40 आई कैप, ठीक है। अच्छा अब ये जो माइनस साइन है बच्चों याद रखोगे, ये फॉर्मूला के वजह से है, यहाँ पर आई कैप पॉजिटिव था, ओके ये फॉर्मूला में ही माइनस साइन है। अब देखो यहाँ 40 प्लस 40 माइनस 40 विल गेट कैंसल्ड, सो द रिजल्टेंट इज माइनस 30 जे कैप। मतलब क्या है ना, इस इंसान को जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है, उसे कैसा फील होगा, उसे फील होगा कि रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है विद स्पीड ऑफ 30, है ना, बिकॉज उसका 40 वाला स्पीड और क्या बोलते हैं रेन का 40 वाला स्पीड, जैसे रेन भी रेन का इधर वाला डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है 40, मैन खुद इस डायरेक्शन में जा रहा है कितने स्पीड में 40, तो उसे तो लगेगा कि इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है ही नहीं, है ना, बिकॉज दोनों सेम साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो जो एक्स कंपोनेंट है बच्चों आई कैप वाला वो कैंसिल हो जा रहा है ना। अल्टीमेटली उसे फील कैसा हो रहा है ना, उसे फील हो रहा है कि रेन जो है वो 30 के स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। तो अगर वो उसे फील हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अम्ब्रेला वो किधर खोलेगा, जस्ट ऑपोजिट टू इट, दैट इज अम्ब्रेला वो वर्टिकली अपवर्ड खोलेगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा विद द वर्टिकल, विद द वर्टिकल, बिकॉज वो वर्टिकल लाइन पर ही तो अम्ब्रेला खोल रहा है ना। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एंगल एट विच द अम्ब्रेला मस्ट बी ओपन बाई द मैन। ओके तो यहाँ पर देखो बच्चों बहुत तरीका, देखो तरीका वही है, दैट इज हमें वेलोसिटी वेक्टर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल करके ही सॉल्व करना है, बड़े आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, आई कैप जे कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे और भी आसान तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट केस, दैट इज जो इंसान है वो खुद एक इंक्लाइंड प्लेन पर हो, वो खुद कुछ एंगल बना रहा हो और जो रेन है वो सपोज कर लो वो भी कुछ एंगल बना रहा हो, ऐसा कुछ आप केस ले सकते हो, है ना, दैट इज मैन एंड रेन दोनों ही एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल केस ऑफ रेन वर्सेस मैन, ठीक है, दैट इज केस 4, है ना। केस 4 में हम लोग देखेंगे बच्चों, दैट इज बोथ man and rain are making some angle with the horizontal तो करना कुछ नहीं है, वेलोसिटी निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है और काम खत्म, ठीक है। जैसे सपोज कर लो बच्चों, सपोज कर लो बारिश हो रहा है इस तरीके से, ओके सपोज कर लो बारिश हो रहा है बच्चों इस तरीके से,
ओके, ये हमने एक हॉराइजेंटल लाइन बना दिया, और बारिश जो है ये इस हॉराइजेंटल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है ना, सपोज़ कर लो 53 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है, सपोज़ कर लो 53 डिग्री, ठीक है, ओके। और सपोज़ कर लो एक इंक्लाइंड रोड है, ठीक है, एक रोड है बच्चों, इंक्लाइंड है, जैसे हम लोग घाटी वगैरह में चढ़ते हैं तो वो थोड़ा इंक्लाइंड स्लोप टाइप का रोड होता है ना। सपोज कर लो जो रोड है वो इस तरीके का है, दैट इज सपोज रोड ऊपर की तरफ उठ रहा है इस तरीके से, है ना, और ये जो रोड है बच्चों वो हॉराइजेंटल के साथ सपोज कर लो 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इस पर आप चढ़ गए हो अपने बाइक को लेकर के, ठीक है, इस पे आप चढ़ गए हो अपने बाइक को लेकर के, ओके, ये सपोज हो गए आप, ओके, ठीक है, एक आंख है आपका, है ना, चलिए बढ़िया। और सपोज आप 37 डिग्री का एंगल बना रहे हैं विद द हॉराइजेंटल, है ना, और आपका स्पीड सपोज दे रखा है कितना है बच्चों, ना सपोज आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं एकदम तेज बाइक चलाते हुए 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है, और ये जो रेन है बच्चों ये गिर रहा है कितने स्पीड से, ना 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये रेन नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अब हम लोगों का पहला काम क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना, एंड दूसरा काम होता था वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना, और फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर देंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है, पहले ये निकालते हैं। अब यहाँ देखो, क्योंकि रेन जो है वो कुछ एक एंगल बना रहा है विद द हॉराइजेंटल, दैट इज 53 डिग्री हमें दिया गया है ना, 53 डिग्री हमें दिया गया है, और रेन का स्पीड कितना है बच्चों, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर, ओके, तो इसके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा और एक हॉराइजेंटल कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है, एक हॉराइजेंटल कॉम्पोनेंट होगा और एक वर्टिकल। हॉराइजेंटल कॉम्पोनेंट कितना होगा, दैट इज 50 cos 53 डिग्री, एंड वर्टिकली डाउनवर्ड कॉम्पोनेंट कितना होगा, दैट इज 50 sin 53 डिग्री, है ना। अब इसे आप सॉल्व करोगे, दैट इज 50 into 3 by 5 होगा, ठीक है, वही बच्चों 3 4 5 वाला ट्रायंगल, अभी ये 4 ये 3 और ये 5, क्योंकि एंगल 53 डिग्री है तो बड़े एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होता है, तो बेस अभी छोटा हो जाएगा, ये 4 ये 3 ये 5, है ना, तो कॉस का वैल्यू कितना होता है, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस 3 है, परपेंडिकुलर सॉरी बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस 3 हो गया और हाइपोटेनस 5 हो गया, इसे कैंसिल करोगे बच्चों आएगा 30 किलोमीटर पर आवर, और उसी तरीके से इसका निकालोगे 50 into 4 by 5, तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो रेन के बच्चों हम लोगों ने दोनों कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं, दर इज हॉराइजेंटल कंपोनेंट भी और वर्टिकली डाउनवर्ड जो कंपोनेंट है वो भी, लेकिन ये देखो हॉराइजेंटल कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ है यानी कि माइनस आई कैप, और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ है यानी कि माइनस जे कैप, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, ना दैट इज -30 i कैप एंड -40 j कैप, ठीक है, -30 i कैप एंड -30 40 j कैप, तो ये रेन का काम खत्म हो गया। अब मैन का देखते हैं, जो मैन है बच्चों वो इधर मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, है ना, मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री, ओके, तो इधर एक कंपोनेंट आएगा और इधर एक कंपोनेंट आएगा, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 100 cos 37 डिग्री, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 100 sin 37 डिग्री, ठीक है, अच्छा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 100 into cos 37, cos 37 कितना हो जाता है बच्चों, दैट इज 37 वाला अगर देखोगे तो 4 by 5, है ना, 4 by 5, तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, एंड इधर वाला कितना हो जाएगा, दैट इज 100 sin 37, दैट इज 4 by 5, तो 3 by 5 होगा, 3 by 5, तो ये 5 और ये कैंसिल हुआ, 20 23 60, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर आया, अच्छा मतलब 60 किलोमीटर पर आवर ऊपर की तरफ
और 80 किलोमीटर पर आवर राइट हैंड साइड यानी कि पॉजिटिव एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों 80 आई कैप और ये हो जाएगा कितना 60 जे कैप, ठीक है। ऊपर की तरफ है तो जे होगा और ये राइट हैंड साइड की तरफ है तो 80 आई कैप होगा, ठीक है। तो हम लोगों को मिल गया 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हैं 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, तो इसे मिटाते हैं और लिख देते हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना आया दैट इज 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये कितना होगा, ना इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो, -30 i कैप -40 j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 80 i कैप प्लस 60 j कैप, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये दोनों भी नेगेटिव हो जाएंगे, दैट इज -30 -80 दैट इज -110 i कैप, -40 -60 दैट इज -100 j कैप, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब इसे प्लॉट कर लेते हैं। इसे अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो बच्चों देखो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, दैट इज रिजल्टेंट कितना है -110 आई कैप, यानी कि डाउनवर्ड में वैल्यू कितना है 110 आई कैप है, तो इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव आई ये नेगेटिव आई, तो इधर वैल्यू है 110 और डाउनवर्ड दैट इज माइनस जे कैप में दैट इज 100, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी सपोज कर लो इधर से निकला तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा रिजल्टेंट वेलोसिटी है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चों अम्ब्रेला को ओपन करेगा, लेट द एंगल बी थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा। अब इस 110 को कॉपी करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग तो अलाउड है, इस 110 को उठाए यहाँ पर रख दिए तो ये देखो हेड टेल वाला ट्राइंगल बन गया है, ये भी 110 डिग्री है। अब इस ट्राइंगल में टैन थीटा निकाल सकते हो, टैन थीटा विल बी इक्वल टू दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज 110 बाई 100, 0 0 कैंसिल हो गया तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू 11/10, ओके टैन थीटा इज इक्वल्स टू 11/10 और थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स 11/10, ओके तो इतने में ही आंसर हम लोग छोड़ देंगे, ओके। तो इस तरीके से बच्चों रेन एंड मैन का जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स हैं उसे हम लोग डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग चार वैरायटी में क्वेश्चंस को बांट दिए और इस तरीके से हम लोग उसे समझें, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह देख करके रेन एंड मैन का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने का कोशिश करें, ठीक है, और अगर कुछ डिफिकल्टी फेस करते हैं तो फिर हम लोग उसे डिस्कस करेंगे, ओके। So thank you for watching the video students, take care of yourself and have a nice day.